सन और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। पूरा भारत देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुए 75 साल हो जाएगा, जिसको लेकर पूरे भारत में ऐतिहासिक धरोहर को देखने और घूमने के लिए निःशुल्क किया गया है। मतलब कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि पहले सासाराम रोहतास जिले में स्थित शेर शाह के मकबरे को घूमने के लिए 25 रुपये लगते थे इंडियन टिकट, और 25 रुपये लगते थे जो कि यहाँ के नागरिक है उनके लिए, लेकिन 300 रुपये लगते थे जो बाहर से देखने के लिए आते हैं। जैसे विदेश से लोग शेर शाह मकबरे को घूमने के लिए आते हैं तो उनके लिए टिकट की दाम 300 थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद इसे निःशुल्क कर दिया गया है। आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव को लेकर यहाँ के नागरिक को ऑफर दिया गया है कि आप फ्री में इसे घूम सकते हैं और देख सकते हैं, जिसके लिए 5 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको यहाँ एंट्री चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप शेर शाह मकबरे को देख सकते हैं और घूम सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि वो जो गेट है वो मुख्य द्वार है और वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। मतलब कि बहुत दूर दूर से लोग शेर शाह मकबरे को घूमने आए हैं, क्योंकि निःशुल्क है और लोग इसका बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद है। हम लोगों से बात करेंगे कि जब सरकार ने निःशुल्क कर दिया है तो लोगों को घूम कर कैसा लग रहा है। अभी हम शेर शाह सूरी के मकबरे के अंदर आ चुके हैं और आप हमारे पीछे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि शेर शाह सूरी के मकबरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये चारों तरफ पानी के बीचों बीच बसा हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम का शेर शाह सूरी के मकबरा से ही पहचान है, और इस पर इससे पहले टिकट लगता था, उसके बाद ही लोग एंट्री करते थे और यहाँ देखते थे, घूमते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक इसे निःशुल्क किया गया है और लोग घूम रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, हम सबसे बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप शेर शाह मकबरा घूम के आ रही है, कैसा लग रहा है? ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ तो मेरा गांव भी है सासाराम में, बबनी गांव है मेरा, और यहाँ हम पहली बार आए हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। अकेले आई है घूमने? नहीं नहीं, हमें फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली के साथ आई? अच्छा, बताइए, टिकट नहीं लग रहा है, इसको लेकर क्या कहें? ये टिकट के बारे में हमको पहले पता भी नहीं था कि नहीं लगता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, तो हम बस ऐसे ही रैंडमली आ गए। हमको बहुत अच्छा लगा। घूम के कैसा लगा? घूम के बहुत ही अच्छा लगा। खूबसूरत है? हाँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है दिल्ली वगैरह में घूमे, बहुत ही अच्छा लगा। अब शेर शाह सूरी का मकबरा घूमने आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। मैं धनबाद से आया हूँ। धनबाद से आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तबरेज अख्तर। अच्छा, टिकट नहीं लग रहा है, निःशुल्क है, कैसा लग रहा है? वो पता नहीं था मुझे, मैंने जब यहाँ आया था मुझे पता चला कि 11 से लेकर 15 तक फ्री किया गया है इसको। मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ। आज हमारा भारतवर्ष 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त को लेकर? ये 15 अगस्त को लेकर संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ की जो बिहार जो सरकार ने ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस जो है और लोगों के लिए ये फ्री करके बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को घूमने के लिए बहुत ही अच्छा दिया है। आनंद लिया जी? बहुत अच्छा आनंद लगा मुझे यहाँ। शेर शाह सूरी का मकबरा घूमे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं यहाँ पर? हम तो बचपन में एक बार आए थे, लेकिन उस समय से याद नहीं आ रहा। बचपन में आए थे, कहाँ की रहने वाले हैं? मेरा तो होम डिस्ट्रिक्ट है। निःशुल्क घूमना है, आज टिकट नहीं लग रहा है? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। शेर शाह सूरी का मकबरा घूमने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। निःशुल्क है, टिकट नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। पहली बार घूमने आए? नहीं, ये तो हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, हमेशा आते हैं, हमेशा टिकट दे के आते हैं? नहीं, हमेशा टिकट दे कर आते हैं। 15 अगस्त के लिए आज छूट है, तो इसीलिए हम लोग। कहाँ से आए हैं? ये बाराडी से। क्या नाम है आपका? MD नौशाद आलम। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभी मैं शेर शाह सूरी के मकबरे के अंदर थी और पब्लिक रिव्यू ली और सबसे जानी भी कि शेर शाह मकबरा घूम के कैसा लगा, क्योंकि आज निःशुल्क किया गया है और 5 अगस्त से 15 अगस्त तक निःशुल्क किया गया था। हम आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है सबको 5 अगस्त से 15 अगस्त तक निःशुल्क किया है, ताकि जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो असमर्थ है, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, टिकट दे के नहीं घूम पाते हैं, तो वो भी आज यहाँ मौजूद थे और सभी लोगों ने घूमा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर ये सुन के आ रहे हैं कि निःशुल्क है, शेर शाह सूरी में टिकट नहीं लग रहा है, शेर शाह मकबरे के अंदर आज टिकट नहीं लग रहा है, तो हम लोग घूमने चले। और भारी मात्रा में यहाँ जो संख्या मौजूद थी, आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ आज निकल रही है शेर शाह सूरी के मेन गेट से, कि जो वहाँ के गार्ड है वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दो दो तीन तीन लाइन लगी है इसे देखने के लिए और घूमने के लिए। हालांकि एक तरह से अच्छा भी है कि जो लोग नहीं आ पाते थे वो भी आज यहाँ आके घूम रहे हैं और सरकार की इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जान रहे हैं, और रोहतास जिले की जो ये पहचान है वो और भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आएंगे। धन्यवाद, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।